Welcome to Easy Learn and Hire Target. हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है ड्रा एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए सिलेंडर। बेस डायमीटर इज 40 mm एंड हाइट 80 mm एंड इट्स बेस इज परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग बनाने से पहले क्वेश्चन में दिए हुए डाटा को लिख ले। गिवन डाटा बेस डायमीटर इज 40 mm हाइट इज 80 mm। तो नेक्स्ट स्टेप है, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन खींच लें। रेफरेंस लाइन का नेमिंग कर दें एक्स वाई और एक पॉइंट ओ ले लें। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका बेस, इट्स बेस इज परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP, यानी इसका जो बेस होगा वो एक्सिस से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए होगा। एंड अदर बेस का अदर साइड जो होगा वो एक्सिस से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए होगा। अब दोस्तों पड़काल की सहायता से 40 mm को मेजर कर ले। नाउ इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से एक लाइन खींच लेना है। एंड इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट पर एक लाइन खींच लेना है। अब सभी साइड को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देनी है। उसके बाद ठीक सभी सामने वाले लाइनों को उसके मेन पॉइंट से मिला देना।
उसके बाद ठीक ये डॉटेड लाइन से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 80 mm का एक लाइन खींचना है जो कि सिलेंडर का हाइट होगा। दोस्तों कंपास की सहायता से सभी लाइन को 8 यानी 80 mm तक मेजर करके काट लें। नेक्स्ट सेम प्रोसेस जैसा कि बॉटम में किया था वैसा ही ऊपर में टॉप वाले साइड में भी करना है। दोस्तों ये फिगर बन गया, बट ये फिगर सिलेंडर का नहीं है बल्कि एक प्रिज्म का है। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सिलेंडर का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, तो इसे सिलेंडर जैसा बनाते हैं। हम जानते हैं कि सिलेंडर का जो शेप होता है उसका टॉप व्यू और बॉटम का व्यू सेम टू सेम सर्कल के जैसा होता है, तो इसे सर्कल के जैसा आइसोमेट्रिक व्यू में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसके माइंड पॉइंट को मिला देंगे। दोस्तों अभी इसके इस पॉइंट को मिला देना है और उसके बाद ये सिलेंडर का फाइनल फिगर बन जाएगा जैसा कि क्वेश्चन में रिक्वायर किया गया है। फ्रेंड्स ये सिलेंडर का फाइनल फिगर बन चुका है। अब आपको करना क्या है कि जितने भी बढ़े हुए लाइन है उसको मिटा देना है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप है नेमिंग करना, तो इसका नेमिंग करते हैं। ए बी सी डी ओ एम पी एन और ई एफ जी एच क्यू आर एस डी आई जे यू भी। हमने दोस्तों इसके लेटर बाय कर दिया, अगर जो आप चाहे तो इसको डेस लेकर भी कर सकते हैं, यानी ओ ओडेस यू यूडेस इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि इसका डायमेंशनिंग करना, तो डायमेंशनिंग करने के लिए पहले जिस पोर्शन का डायमेंशनिंग हमें करना होता है उसका ठीक 90 डिग्री से थोड़ा सा लाइन बढ़ा के डायमेंशनिंग उस शेप के पैरेलल लेके करते हैं। ये रहा 90 डिग्री का इसके साथ एंगल बढ़ा हुआ, हाइट में 80 दे देना है और डायमीटर में 40। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि टेक्निकल ड्राइंग को बनाते समय ड्राइंग में यूनिट को नहीं लिखा जाता है। अब इसके लिए सुविधा के लिए नीचे में आप लिख दें ऑल डायमेंशन, ऑल डायमेंशन इन एमएम, यानी इस फिगर के जितने भी डायमेंशन लिया गया है सभी मिलीमीटर में है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई डाउट बच जाता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।